BCA मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर, इसमें फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर में है डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड है लीनियर इक्वेशन एंड कॉफिशेंट कांस्टेंट कॉफिशेंट, थर्ड है होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स नंबर, फिफ्थ है इंट्रोडक्शन टू डी मॉरिस थ्योरम। सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है ऑर्डर और डिग्री का। तो ऑर्डर और डिग्री जो है वो कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5x dy upon dx square minus d square y over dx square minus 6y equal to log x। इसमें ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे। ऑर्डर होता है हमारे पास जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2 है तो वो हुआ ऑर्डर, और इसके ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू वो आती है इसकी डिग्री। जैसे कि 5x dy upon dx square minus d square y dx square minus 6y equal to log x। इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो हम इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट पावर है 2, मतलब इसका ऑर्डर हुआ 2, और इसके ऊपर जो पावर है कुछ नहीं मतलब वो 1 है, मतलब डिग्री क्या आई इसकी 1। जैसे नेक्स्ट है 2y = 0। इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर भी 2 आ रही है, ऑर्डर इसका 2 होगा कि डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र, ऑर्डर इसका 2 है कि ये जो है डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र है, मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है, और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो भी 2 है, मतलब इसकी डिग्री भी जो है वो 2 ही आएगी, तो डिग्री भी हुई इसकी 2। जैसे नेक्स्ट है 5y + ey = 0। इसमें ऑर्डर और डिग्री देखनी है, तो इसमें भी ऑर्डर जो है वो 1 आ रहा है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो भी 1 है, तो इसमें डिग्री भी क्या आई 1, कि ऑर्डर 1 है और डिग्री भी इसमें 1 है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से किए गए हैं, ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1 है। जैसे नेक्स्ट हम देखेंगे कि d4y dx4 + sin y = 0। तो इसमें जो है 4 है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है इसमें 4 आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी है इसमें ऑर्डर 4 है, और इसकी डिग्री क्या आएगी 1 आएगी। इसमें हमारे पास ये पूछा है कि ऑर्डर डिग्री क्या है, और यहाँ पर जो है साइन है ना, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, मतलब इसमें जो है हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर तो आ गया इसका कि हाँ इसका ऑर्डर 4 है, पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी इसमें। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है इन इट्स डेरिवेटिव, सो द डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसमें डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र प्लस 5x डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 6y इक्वल टू लॉग एक्स। इसमें भी सिंस द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 2, कि इसमें भी ऑर्डर 2 है, इसका जब हाईएस्ट निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो सो द हाईएस्ट पावर ऑफ डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र इज 1 एंड द डिग्री जो हुई इसकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की 1 आएगी। अब नेक्स्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 7y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें जो हुआ ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 आ जाएगा, डी वाई डी एक्स डिग्री इसमें 3 आ जाएगी। सिंस द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज 1, कि ऑर्डर इक्वेशन का 1 है। इसमें जैसे हम देखें कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, क्यूब तो बाहर है ना, तो ये डिग्री है इसकी और यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 1 आ रहा है। आल्सो द इंडेक्स द हाईएस्ट पावर ऑफ डी वाई डी एक्स की पावर कितनी हाईएस्ट 3 है, सो द डिग्री इज 3। नेक्स्ट है डी फोर वाई अपॉन डी एक्स 4 माइनस साइन डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0।
Since the highest order derivative present in the differential equation, the order of the differential equation is 4. कि यहाँ पर order जो है हमारा differential equation का d4y dx 4 है, मतलब order इसका 4 है. तो जो degree है इसमें define नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये polynomial equation की form में नहीं है. Sign आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी degree जो भी define नहीं होगी.